हम सिर्फ 3 कपल रह चुके थे, हम अपने अपने कमरे में गए और सडनली रात को ही स्क्रोल आता है। स्प्लिट विलन्स, अगला कॉम्पिटिशन एक कपल डांस होगा, सो अपना अपना डांस तैयार करके आ जाएं। इसमें तुम्हें अपना दोनों का पेयर का कनेक्शन का इन्वॉल्वमेंट दिखाना था कि तुम दोनों कितने अटैच हो एक दूसरे से, कितने अंडरस्टैंडिंग है तुम दोनों के अंदर। you know it, so sing it. हम जैसे एंटर करते हैं, there was huge crowd. मैं काफ़ी नर्वस हो गई थी क्योंकि मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है, बस सबके सामने डांस करने का डर है। मैंने ये ठान लिया था कि मेरे को ये कॉम्पिटिशन विन करना है सना के लिए। तो दिल में थोड़ा सा डर यार, अब क्या होगा। मैंने सोचा था कि अगर ठीक है मुझसे अगर अच्छा डांस नहीं होगा तो एनर्जी और एक कॉन्फिडेंस लेवल इतना कर लूँगा मैं कि पब्लिक एंजॉय करे। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू एमटीवी स्प्लिट्स विला। टुडे यू आर ऑल पार्ट ऑफ द नेक्स्ट कॉम्पिटिशन इन दिस शो। विद यू इन द क्राउड देयर आर दीस 3 couples that are part of Splitsvilla right now. All of them are going to be performing here for all of you. And the best and the second best in this competition, dono jayenge last final competition tak. And you guys are going to help us decide who performs the best. You guys want to see them perform? Nothing starts in Splitsvilla till the time my co-host is on stage with me. Are you guys ready to meet the gorgeous, the beautiful Sunny Leone? Put it up! जैसे ही सन्नी की परफॉर्मेंस स्टार्ट हुई सबके मुंह खुल गए थे। वो इतनी ब्यूटीफुल लग रही थी, इतनी सेक्सी लग रही थी, इतनी हॉट लग रही थी। सन्नी ने क्या परफॉर्मेंस करी। ओ मैं कुछ टाइम के लिए ईशान बन चुका था और मैं अपना मुंह खोल के खड़ा हुआ था। उनका परफॉर्मेंस में आई वॉज इंजॉइंग, उत्कर्ष, प्रिंस, रणविजय, वी ऑल वर लाइक टुगेदर इंजॉइंग, काफी मस्ती की उनके परफॉर्मेंस में। जिस तरीके का उन्होंने परफॉर्मेंस दिया और क्राउड जिस तरीके से चिल्ला रही थी उनके लिए, चेयर अप कर रही थी, तो मुझे लगा कि पता नहीं मेरा डांस देखकर वो क्या बोलेगी। Sunny keeps performing, ये बेचारे बच्चों का क्या होगा हमारे। Yeah, I was sitting next to them, Sunny, and they were like, after Sunny, how can we perform? They will not. At the end of all 3 performances, हम आपसे पूछेंगे, we have cards like this, जो हम आप सबको बांटेंगे, जिनका performance सबसे अच्छा लगा, उनके box में डालना है, simple. Are you guys ready to be entertained? Put it up for the first couple, Prince and Anuki. जैसे हमने परफॉर्मेंस स्टार्ट किया, हूटिंग स्टार्ट हो गई थी। के फॉल सा कभी मैच किया रे, कभी छोड़ दिया दिल, कभी कैच किया रे। वो मसालेदार परफॉर्मेंस थी, अनोखी ने क्या एक्सप्रेशन दिए। कुछ करके दिल से दिल अटैच किया रे, कभी छोड़ दिया दिल, कभी कैच किया रे। जितना मेरे पास एक्सपीरियंस था शादी में डांस करने का, सब लगा दिया इसने। जब मैं सनी और रणजी को देख रहा था तो वो भी बहुत एंजॉय कर रहे थे, वो उनके भी मुंह खुल चुके थे। आई थिंक वो लोग
लोग बहुत सही टेक्निक यूज कर रहे थे कि यू नो छिछोरा डांस करते हैं, तो लोगों ने एंजॉय भी किया। सच्चा शो ऑफ, सच्चा शो ऑफ। तूने थोड़ी सी बॉडी क्या बना ली, चार पैक से निकाल लिए, शो ऑफ। अब बारी थी मेरी और करिश्मा। जानकी एंट्री बहुत अच्छी लगी, लेकिन जो वो एक्टिंग कर रहा था, क्या बताऊं? शिट। प्रिंस वहाँ पे पहले हमसे परफॉर्म कर चुका था, सो मुझे प्रिंस को हराना था। मैं तो फुल मस्ती में था, जितना हो सके आज नाच लो, क्या पता इसके बाद मौका मिला नहीं मिले। ऐसे ही धीरे धीरे उनका डांस आगे बढ़ा, वो डांस नहीं अश्लीलता हो गई थी। लास्ट में मैंने आंखें बंद कर ली कि क्या दिखा रहे हैं यार। हम क्राउड को एंटरटेन करना चाहते थे, क्राउड था जो डिसाइड करता कि आपकी परफॉर्मेंस हॉट है या फिर नहीं है। अब बारी है उत्कर्ष उर्फ उत्तू एंड छोटी बहू। मेरा दिल धक 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 कर रहा था। मैंने कहा आप परफॉर्म करना है तो अपने लिए करना है, सना के लिए करना है, और इस सॉन्ग में खो जाना। जहर सी, जहर सी, तुझे चाहूं बेतहाशा। जहर सी, मेरे करीब, मेरे हबीब, तुझे चाहूं। बीच में क्या हुआ, उसका कुछ ड्रेस का पंगा हो गया, उसकी ड्रेस यहां से खुल गई। उस वक्त तो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा था कि मैं क्या करूं, बट उसने ना सही दिमाग इस्तेमाल किया। आई रियली लाइक दिस पार्ट कि उसने सना को नीचे बिठाया, उसने एक फ्लिप मारी, दैट फ्लिप वॉज अमेजिंग। इतनी देर में सना ने अपनी ड्रेस ठीक करी, लोग नोटिस करते और इस बात का मजाक उड़ाते तो शायद ये मेरे लिए बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होता। बहुत अच्छा लग रहा था कि मुझे उत्कर्ष जैसा कोई मिला है इस शो पे। होना लिखा था उसने पूरी अपनी स्किल्स दिखाई डांसिंग वाली, सारी लिप्स कर ली, लड़की को इधर उधर घुमा दिया। हो गया जो भी हुआ हुआ जी, तुझे चाहूं। Take care.
Sana was so cute and it was like both of them were very cute. So ab hum logon ke performances khatam ho chuke the. Hamare boxes the green, orange and blue. So sabki voting hui. तो जिन लोगों को भी मेरा परफॉर्मेंस पसंद आया होगा वो कार्ड मेरे बॉक्स के अंदर आके डाल देंगे। आप सब ने परफॉर्म किया, मजे भी किए, ग्रेट। लेकिन अब बात आती है कंपटीशन पर। So should we tell them who our winners are? With 168 votes. Our first finalist. Uttu and Sana. इतनी खुशी मतलब मेरे को तो मिठाइयाँ चाहिए थी, कोई मिठाई खिलाए मेरे को आके। It was so overwhelming. Oh my God, we two were the first finalist. Splitsvilla season 8 ke jo second finalists hain, Prince and Anuki with 82 votes. Main jeet gaya tha, yes, humne kar diya. हम चाहते थे कि ये टास्क मैं और उत्तू करें। सान, जो तू बोलता आया था कि ये मैं जीतूंगा, ये मैं जीतूंगा, तू बाहर हो चुका है भाई। सान एंड करिश्मा, या 54 वोट्स, अनलकी डे। एक लम्हे स्प्लिट्सविला सीजन 8 जीतने का मेरा जो जुनून, जोश, एम, पागलपन, जिद सब खत्म हो गया। करिश्मा, tell us about your journey. जब मैं विला आई और मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं इतना आगे भी पहुंच जाऊंगी। उसके बाद I met Prince. Have a history, so. फिर मेरे लिए प्रिंस वॉज प्रायोरिटी। मैं तब से यही बोल रही हूँ, मैं आज भी यही बोल के जाऊंगी कि प्रिंस ही मेरे लिए प्रायोरिटी था। Do you have any feelings for Prince right now? I have a very strong feeling and a very genuine one. Are you in love with him? No, not love. But a very strong, you know, that bonding. मतलब जिस इंसान को आप अपनी जिंदगी से इस लाइफ में आप दूर नहीं करना चाहते हो. It was this for me. प्रिंस को ये दिखाना था कि तू बहुत स्ट्रॉन्ग करता है, दैट यू वेरी स्ट्रॉन्ग, और तू अपने आगे किसी को कुछ समझता नहीं है, ऐसा नहीं है। बट उस दिन मेरी ड्रीम खत्म हो गई। मेरी जो इतनी लड़ाई झगड़े हो चुके थे उसके बाद जो एक दरार थी वो हमारे बीच में आ चुकी थी, बट मैं नहीं चाहता अगर मेरी वजह से कोई हर्ट हो रहा है। अरे मेरा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था पर 599 रुपए में को बेच दिया गया। अरे ग्रेट टाइम स्प्लिट्स वाला, काफी अच्छा रहा, काफी मजा आया, जीतना चाहता था, बैड लक नहीं जीत पाया, नहीं फिनाले में जा पाया, बट्स ओके,
ब्लिट्स वाला 8 का ये जो जर्नी डे 1 से स्टार्ट हुई मेरी लाइफ टाइम तक मुझे ये याद रहने वाली है. आई एम टेकिंग अ वेरी गुड फ्रेंड ऑल्सो व्हिच इज जान. सो थैंक यू सो मच. टाइम फॉर द ग्रैंड फिनाले ऑफ स्प्लिट्सविला सीजन 8. मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी और हम रेडी हो चुके थे. आई वॉज कॉन्फिडेंस बिकॉज ऑफ फ्रेंड्स. आई वॉज लाइक आई ट्राई माई बेस्ट एंड आई डू इट. जैसे हम सेटअप की तरफ पहुंचे वहां पर साइड में खड़े थे एक्स कंटेस्टेंट सिर्फ हमें देखने के लिए. उनको था कि चाय कोल्ड ड्रिंक दे दो भाई फिल्म हम ही करेंगे हम ही हीरो हैं अभी. स्प्लिट्स विलन्स वेलकम टू द ग्रैंड फिनाले. आज का जो कंपटीशन है अभी तक का सबसे टफेस्ट कंपटीशन है. आपका कंपटीशन शुरू होगा उस तरफ से और एंड होगा यहां पर थ्रोन पे. ये सेटअप इतना लंबा था कि खत्म ही नहीं हो रहा था. मैं समझ गई कि आज का जो कंपटीशन है It's really gonna be very difficult. सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब ये कॉम्पिटिशन शुरू होगा दोनों लड़के स्टार्टिंग पॉइंट पे होंगे और लड़कियां बीच में बंधी होंगी. And you have to free your love. और उसके लिए आपको काफी सारे ऑब्स्टिकल्स करके उन तक पहुंचना होगा. पहले ऑब्स्टिकल से लेकर चौथे ऑब्स्टिकल तक आपको 4 हार्ट्स कलेक्ट करने हैं. उसके बाद 2 चाबियों को कलेक्ट करना है जिससे आपका जो प्यार है वो जिस ताले से बंधी है वो खुल सके. But actually, it sounds a little too easy for me. So, to make it thoda sa difficult, the boys shall be blindfolded. What the? मतलब कि क्या भाई हम क्या करने आए हैं. एक तो अंधा बना रहे हो ऊपर से कह रहे हो कि ये चीजें ढूंढो. So the ladies are going to communicate how to get those hearts. आपको दिख रहा होगा कि कहाँ जाना है. सना को भी दिख रहा होगा कहाँ जाना है. आपको बस अपने प्यार की अपने कनेक्शन की आवाज सुननी है और उनकी डायरेक्शंस को फॉलो करना है. उसको फॉलो करते करते जब आप चाबियों के साथ उनके पास पहुंच जाएंगे तब आप अपने ब्लाइंड फोल्ड उतार सकते हैं. ब्लाइंड फोल्ड उतारने के बाद आप ताले खोल सकते हैं. उसके बाद अगले ऑब्स्टिकल में आपको लड़कियों को उठाना है. आप लोगों को 5 हार्ट्स कलेक्ट करने हैं और लड़कियां अपने हाथ इस्तेमाल नहीं कर सकती. नो हैंड्स. उसके बाद अगला ऑब्स्टिकल सिर्फ लड़कियों के लिए. सबसे पहले लड़कियां जाएंगी हनी पिट. वहां पर 10 ऑरेंज बॉल्स होंगी. आपको वो बॉल्स कलेक्ट करनी है और लड़कों को देनी है. कैसे कलेक्ट करनी है? So, it's about time that the girls also get down and dirty. जब वो हो जाएगा उसके आगे आप देखेंगे कि एक बार है. आपको उस बार के नीचे से पास करना है एंड देन यू हैव टू जस्ट फॉलो द रोप अराउंड द ऑब्स्टिकल क्योंकि वो आपको लेके जाएगी एक चाबी तक. उस चाबी से दोनों लड़कियां सामने वाले बॉक्स को खोलेंगी. उस बॉक्स में स्लेज हैमर है. उस हैमर को लड़के लेंगे और उनके सामने जो बहुत बड़ा बॉक्स है उसको खोलने में उस हैमर का इस्तेमाल करें. इस बॉक्स के अंदर एक टियारा है. The boy who puts it on the girl first
wins this game. I think meri aur Utkarsh ka connection acha hai, so I can communicate well. मुझे डर किसी से नहीं लगता, ये सिर्फ एक दिन की बात होती है, किसी दिन कभी अच्छा होता है कभी नहीं अच्छा होता। कश फोकस करेगा मेरी आवाज़ पे और मैं जितना ज़्यादा चिल्ला सकती हूँ उतना चिल्लाऊंगी। फिनाले है तो टफ तो होना था, पर इतना टफ था ये नहीं सोचा था। उत्कर्ष यस प्रिंस आर यू रेडी टू सेव योर लव? यस यस। तो जैसे ही कॉम्पिटिशन स्टार्ट हुआ तो हमें कुछ नहीं पता लग रहा था कि हमें डायगनल जाना है स्ट्रेट जाना है। मुझे डर था कि अनुकी क्या मुझे समझा पाएगी, क्योंकि वो कई बार वर्ड्स को लेकर कंफ्यूज हो जाती है। सना ने बहुत जल्दी जल्दी बोल रही थी, वो कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने पूरे सीजन चिल्लाया नहीं है, मुझे ऐसा लगा कि बस इसीलिए मैंने आवाज़ बचा रखी थी, अब चिल्लाना है और मैं चिल्ला चिल्ला के उत्कर्ष को डायरेक्ट करूँगी। मुझे पहली आवाज़ आई प्रिंस लेफ्ट, तो मैंने पोल पकड़ा, मैंने सीधा उसके हाथ लगाया एंड वहाँ पर पहला हाथ मिला, मैंने खींचा और सेकंड की तरफ भागा। मुझे लग रहा था कि यार प्रिंस काफी टफ है, उत्कर्ष आई थिंक प्रिंस के हिसाब का नहीं है। कम ऑन उत्कर्ष, जल्दी आओ तू, कम 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 तू, कम ऑन, राइट। एंड जब तीसरी जगह पहुंचा वो ऐसे मतलब बना हुआ था कि उसके अंदर एंटर करना ही मुश्किल था। मतलब एक जगह लात डालते दूसरे का लात डालते बीच में बम्बू आता था, मतलब उसमें से निकलना इम्पॉसिबल था। काफी देर के बाद वो मेरे हाथ में आया और उसके बाद मैंने निकलने की जगह ढूंढी, फटाफट निकला। प्रिंस ने काफी लीड ले ली। निकलो, निकलो। जल्दी, जल्दी। हम उतू को गाइड कर रहे थे कि उतू चल राइट जा लेफ्ट जा। हाँ हाँ बस नीचे गिरा। भाग भाग भाग। मैं दिल से चाहती थी कि उत्कर्ष और सना ही जीते, वो डे वन से साथ हैं और आज भी साथ खड़े थे। जैसे ही आगे पहुंचा 50 चाबियां थी जिनमें से वो दो चाबियां थी वो एक साथ बंधी हुई थी उन सबसे अलग जिससे वो लॉक खुलना था। उतु जो बाजी मारी ना वो अल्टीमेट थी। कंपटीशन लिटरली नेक टू नेक था। जंप जंप नो इधर भी आ गए। जंप जंप नो नाउ। मैं अनोखी की शक्ल देख रही थी कि यार तू लिटरली भूंद हुए। थोड़ा पीछे हां बस जंप करो तू। ठीक जंप नाउ नाउ जंप यस 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 कम कम कम। इतनी बार एफर्ट लगाने के बाद एकदम से वो चाबी मेरे हाथ में आई। ब्लाइंडफोल्ड निकाला और उसके बाद मैंने देखा कि अनोखी और प्रिंस हमसे कहीं ना कहीं 2 या 5 सेकंड आगे चल रहे हैं। Come on, pick it up, pick it up, pick it up. आराम से, आराम से।
हमें लड़कियों को उठाना था और जो ऊपर हाथ लगे थे वो लड़कियों को बिना हाथ टच करे मुंह से निकालने थे। I thought कि अनुकी इतनी लंबी इतनी भारी है तो शायद ही प्रिंस उठा पाए, बिकॉज प्रिंस के पाँव में भी लगी थी। मैंने उसको ऊपर उठाया एंड जैसे देखा कि वो उसकी हाइट तब भी नहीं पहुंच पा रही, तो मेरा दिमाग खराब हुआ कि टाइम वेस्ट हो रहा है। चल उत्कर्ष, कम ऑन, चल चल, बहुत सारा, वो तो थोड़ा ऊपर, थोड़ा ऊपर कर, ऊपर कर। आप लोगों को 5 हार्ट्स कलेक्ट करने हैं। मैंने उसको यहां से उठा के, उसके निकर्स उठा के, शॉर्ट्स उठा के, मैंने उसको ऊपर की तरफ कर दिया कि ले अब खींच, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता, दे दिया मैंने अपनी पूरी जान, अब तेरे ऊपर है, मैं तुझे नीचे नहीं उतारूंगा जब तक तू 5 के 5 हार्ट्स नहीं निकाल लेगी। What are you doing? ऊपर ऊपर ऊपर, सर के ऊपर बिठा, या या या, that's right, चल पकड़ पकड़ पकड़, come on सर एंड उत्तू, come on, थोड़ा राइट आउट, तू थोड़ा राइट आ, ये रहा रहा, धागे से की, कम ऑन सर, हाँ पकड़ो यहाँ से, पकड़ो धागे को, पकड़ो, समय बहुत हाइपर हो गया था, बहुत गुस्से में हो गया था, लेकिन मैंने कहा आज मैं फाइनलिस्ट हूँ तो अपने कनेक्शन की वजह से मैं जीतूंगा, तो सिर्फ सना के लिए, क्योंकि सना जीतना चाहती थी। चल, कम ऑन सना, कम ऑन तू, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। आई वाज सो मच इनटू दिस, आई वांटेड टू जस्ट डू इट फास्ट दिस लेवल एंड आई वांटेड टू विन। कम ऑन सना, सना धागे धागे से, we did it so fast, then we reached to the next level and I know that now it was all about me. Come on Utu Sana, let's go, chal Sana, go 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 go, next. देखा कि ये लोग ने वो digging शुरू कर चुके हैं और मुझे ऐसा लगा कि बस आई थिंक आई शुड क्विट, बिकॉज अब वो लोग जीत ही जाएंगे। हनी पिट में घुसी और मैं एक साथ दो दो बॉल्स कलेक्ट कर लिए, कभी 3 बॉल्स कलेक्ट कर लिए और वो हनी जब मुंह में जा रही थी बहुत ही ज्यादा प्यूकिश फील हो रहा था। Yes, yes, yes! Come on, Nuki, come on! Yes, 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 yes! Woo! Come on, come on, come on, come on! Jump, jump! Come on, let's jump, let's go! Yes! I was crossing. I got stung there. Come on, Nuki, Nuki, Nuki! You have to do this. Nuki, Nuki, what are you doing? Come on, come on, come on! You have to pull yourself up. वहाँ पे उसकी हाइट की वजह से वो वहाँ पे फंस गई थी, वो आगे निकल नहीं पा रही थी, तो उस चीज का फायदा उठा लिया उत्तू और सना ने। हनी पिट से मैं जैसी बाहर निकली, मैंने देखा कि अनु की मैडम तो है वो, उन्होंने डिग करके है ना ऐसे करके घर बसा लिया था। Come on, अनु की। Hey, good job! जल्दी, good job! मुझ में वो कॉन्फिडेंस आ गया, मैंने डिगिंग शुरू की। Come on, सना! Come on, अनु की! ऐसे ऐसे हटा हटा! चल 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 यार! जल्दी कर यार।
स्ट्रैटेजी अपनाई कि मैंने ऐसे क्रॉल करके जैसे तैसे निकलने की कोशिश की। मैं निकली और मैंने पीछे मुड़ के देखा और रनू की अभी भी अटकी हुई थी। उस होटल में मैंने ऐसे ऐसे स्विंग किया है, मैं भागती गई, मैं किसी को नहीं देख रही थी। बस पूछो मत उसके अंदर पावर कहाँ से आई। उसे जल्दी से किया, उस बॉक्स को खोला और हैमर मेरे हाथ में दिया। तब मुझे लग गया था कि यार अब उत्कर्ष इस गेम को ले गया। आई डोंट नो उसको क्या, उसने 2-3 मिनट एफर्ट लगाया, उसके बाद वो रुक गई। I don't know what happened suddenly. I couldn't breathe. I lost my energy. I give up. And I say that I can't do it. Literally meri f*** thi. Kyunki main itna effort laga kar aaya tha. Aur hum jeet se itni si dur the. Jal! Let me get the beat! Hammer mere haath mein aate hi maine उस लास्ट बॉक्स को तोड़ना चालू किया जिसमें क्राउन था। I was 110% confident के सना उत्कर्ष ही जीतेंगे, क्योंकि वहां पे जब अनु की फर्स्ट गई थी तब प्रिंस ने गिव अप कर दिया था। मेरे लिए उस टाइम पे अनोखी का जाना आवाज लाई, आई सिंग ऑन द केक, टारा बाय। अनोखी डिग 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 अराउंड यू, डिग, कम ऑन, डिग 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 डिग, कम ऑन, यू कैन डू इट। सो देन आई सॉ सडनली सनी केम एंड सनी वाज लाइक जस्ट ट्राई एंड डिगिंग, जस्ट मूव योर बॉडी। आई सॉ प्रिंस फेस एंड सनीज फेस एंड देन आई told myself no, I should not give up, I can do it. Then I tried to dig it more and finally I crossed the obstacle. तो मेरी पावर खत्म हो रही थी धीरे धीरे, क्योंकि वो बहुत ही हार्ड था और जो हैमर था मेरे से लग नहीं रहा था, लेकिन मैं फिर भी पावर से मारे जा रहा था। तब मैंने देखा अनुकी ने अपना कैरबिन अटैच किया, तभी भी हमारे पास काफी टाइम था, मुझे लगा अब जीतना है। वो टाइम ऐसा था कि शायद मैं गिव अप कर चुका था, पर जब देखा उस कपड़े में कुछ नहीं था तो मेरी होप जगी। एंड उसने जैसे ही कैरबिन दूसरी तरफ के और लॉक खोला, मैंने हैमर निकाला एंड मैं पागलों की तरह मारना स्टार्ट किया। उत्तुआ, 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 उत्तुआ,
साला, तो मेरे भी उसमें कुछ नहीं और सिर्फ लाल कपड़ा ही था। कॉम्पिटिशन एक अलग ही हो जाता है। वो चारों वहां पे खड़े हैं और हमारा उत्कर्ष कोशिश बहुत कर रहा है और प्रिंस उसको फोड़ रहा है, बॉक्स को और ज्यादा फोड़ रहा है। तो जो एंटिसिपेशन थी, हम सब के मुंह खुले के खुले हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पे, कौन जीतेगा, पता ही नहीं लग रहा कि गेम हो कैसे रही है। मैंने दो तीन बार हथौड़ा और मारा, साइड से थोड़ा और तोड़ा एंड मैं उसके ऊपर लेट गया। मेरे जितना अंदर हाथ जा सकता रहा मैंने हाथ डाला। जैसे कैसे करके उसको उठाया और जैसे ही मैंने वो टियारा को बाहर निकाला, उत्तू अभी ढूंढ रहा था। मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने अनुकी को पहनाया और उसे भगा कर ले गया। बैक और इन को बाकियों को मैं दिखा दूं, प्रिंस स्प्लिट्सविला 8 का विनर बन चुका है। बोलते हैं ना कि वक्त मेहरबान तो खदा भी पहलवान, तो उसका वही हो गया कि उसका लक चल गया। उस टाइम एक ऐसी फीलिंग आ रही थी कि मैं सबको चीख के बोलना चाहता था कि देखो मैं वही हूँ जो अभी रोडीज X2 जीत के आया, पर अब आते ही स्प्लिट्सविला 8 भी जीत लिया। कि प्रिंस एक ही है, उस शो में भी एक था, इस शो में भी एक है, और वो मैं हूँ जो तुम्हारे सामने तुम सबकी के इस थ्रोन पे बैठा हूँ। मैं जीती नहीं, बट मैंने रिस्पेक्ट जीता है। और सिर्फ मैंने ही नहीं, मैंने और उत्कर्ष ने ये प्रूव किया है कि हमारा बहुत अच्छा कनेक्शन है। स्प्लिट्सविला में मेरा सबसे बड़ा अचीवमेंट उत्कर्ष ही है। मैं सॉरी बोलना चाहूँगा सना, मेरे वजह से तुम हार गई, लेकिन मैं अपने लिए बहुत खुश था कि मैं स्प्लिट्सविला से एक अच्छी सी छोटी सी प्यारी सी छोटी बहू लेके जा रहा हूं। हमारे अल्टीमेट किंग और क्वीन अनुकी एंड प्रिंस। आवर देसी मुंडा एंड विदेसी मेन।